मामला लाहार कस्बे का है, जहां देर रात अज्ञात कारणों के चलते मंगला देवी मार्केट स्थित आफाक जनरल स्टोर की दुकान में आग लग गई। इसकी सूचना लोगों ने दुकानदार को दी। दुकानदार मौके पर पहुंचा। तत्काल दुकानदार ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। आग की सूचना मिलने पर लाहार थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ने पुलिस बल भेजा। थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ने बताया कि आग लगने का कारण अभी अज्ञात है। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुट गई है। दुकानदार अफाक खान ने बताया कि रात 9:30 बजे वो दुकान बंद करके घर चला गया था और देर रात उसे सूचना मिली कि उसकी दुकान में आग लग गई है। अब जैसे ही वो दुकान पर पहुंचा तो दुकान भीषण आग से जल रही थी। दुकानदार ने बताया कि जनरल स्टोर में रखा उसका लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। लाहौर से ज्ञान सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। दुकान 9:30 बजे मैं बंद करके गया था यहाँ से घर। मैंने खाना आना खाया। रात को 1 बजे मोमिन काजी की लड़के ने फोन करा मुझे 12 बजे पे, आपकी दुकान में आग लग गई। मैं तुरंत चाबी लेकर दुकान पे आया। दुकान पे देखा तो दुकान में बहुत जोर से आग लगी हुई थी। मैंने महंत जी को फ़ोन किया, दुकान में आग लग गई है, तो उन्होंने फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी है तब आग बुझाई। फिर शटर खोली तो उसमें पूरा खाक सामान लिख रहा।